हेलो एवरीवन, आज TYBCOM का इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। चार मॉड्यूल हैं यहाँ पे, मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। पहले मॉड्यूल में माइक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, सेकेंड मॉड्यूल में एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड, द थर्ड मॉड्यूल में द इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो सारे तीनों मॉड्यूल में देखेंगे तो तीन तीन सब में है, इसमें से कोई भी अगर दो हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जैसे ओवरव्यू ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पॉलिसी मेजर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेजर और मेजर इन इंडिया। उसके बाद सेकेंड में एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म में, पहला नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर प्राइसिंग एंड एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर फाइनेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट से मैं स्टार्ट करूँगी आज, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा एग्रीकल्चर पार्ट पे होगा। थर्ड मॉड्यूल में पॉलिसी मेजर्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इन इंडिया, उसके बाद सर्विस सेक्टर, इतना है। और फोर्थ एंड लास्ट मॉड्यूल में बैंकिंग सेक्टर, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके बारे में क्या क्या उसमें न्यू थिंग्स आए थे, एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर फाइनेंस में कैसे डेवलपमेंट आई थी, क्योंकि पहले के टाइम में मनी लेंडर से ही लोग लोन लेते थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।